गुड मॉर्निंग एवरी फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि हम कोई हॉलीडे पे जा रहे हैं। सो नहीं, कोई हॉलीडे वगैरह नहीं है। तो मैं और हस्बैंड जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है हमें जो कि हमें सॉर्ट आउट करना है। एंड काफ़ी व्लॉग में मैंने कहा है कि गुड न्यूज़ है जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ रिवील नहीं किया है, एंड शायद आप लोग भूल भी गए हो। तो उसी के सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं, और ब्लॉग देखोगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड डेफ़िनेटली मैं तो रिवील करने वाली हूँ। एंड हमारा जो फ़्लाइट है वो डिब्रूगढ़ से है, और हमारे यहाँ पर सारा चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया है। और यस, वी आर बोर्डिंग आवर फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम डिब्रूगढ़। एंड कोलकाता में हमारा एक घंटे का लेओवर भी है। एंड या सो मैं ना यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी, मतलब इमोशनली है, इमोशनल सा कनेक्ट है इस बात में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि लाइक डेढ़ साल के बाद मैं अपने मायके से निकली हूँ कहीं जाने के लिए। एंड ये पार्शियली है, मुझे पता है मैं वापस आने वाली हूँ, फिर भी ना बुरा लग रहा है कि मैं आई थी, इतने साल यहाँ पे रही, सबके साथ हंसी मजाक, छोटा बड़ा कोई भी ओकेशन हो, हम सब ने, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो सब लोग एक ही साथ रहते हैं, कुछ भी ओकेशन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में था कि हम लोग ये सारा कुछ मिस करने वाले हैं कमिंग दिनों में, कमिंग डेज़ विल बी मिसिंग ऑल दिस थिंग्स। तो बुरा लग रहा है, पता है कि मैं वापस आऊँगी, बट फाइनल जब जाऊँगी ना यहाँ से तो बहुत बहुत बुरा लगने वाला है। पता नहीं मुझे कोई मिस करेगा कि नहीं करेगा, बट मुझे, मैं सबको बहुत मिस करूँगी। सो या दिस इज़ अ थिंग। तो ज़्यादा बात नहीं करती इमोशनली, मैं बहुत ज़्यादा यू नो टची हूँ। सो यस, अभी बस पहुँचने वाले कलकत्ता, एंड वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। सारी चीज़ें ना, मतलब अंदर इस तरह का फाउंटेन और अंदर में जिस तरह का डेकोरम है ना यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आती थी कोलकाता में लेओवर रहता था तो पूरा ऐसा घूमने का ना मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता था। तो अभी फुल 1 आवर का लेओवर है कोलकाता के एयरपोर्ट में, तो इसलिए अंदर जो है ना थोड़ा घूम घाम के देख रही हूँ। सो जैसे मैंने कहा था कि कोलकाता में एक घंटे का लेओवर है, सो बड़े अच्छे से इत्मीनान से हम पूरा घूम घाम के लास्ट में पहुँचे इस मिठाई की दुकान पे। और यहाँ पर इतनी वैरायटीज़ ऑफ मिठाइयाँ थी कि मेरे हस्बैंड तो बस चलो ये खरीद लिए वो खरीद लिए, लाइक बेसिकली ना ही इज़ अ फूड लवर, उन्हें खाना और खिलाना बहुत पसंद है। और इस दुकान में सारे ड्राई स्वीट्स थे, और स्पेशली संदेश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ संदेश थे यहाँ पे, एंड हम बंगालीज़ का स्पेशलिटी संदेश एंड रसगुल्ला। सो यस, तो वहाँ से हमने मिठाइयाँ ली, एंड वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट फ्लाइट टू बोर्ड। एंड यस, यहाँ पे हम शिवांग को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि शिवांग हमारे साथ ऑफकोर्स ट्रेवल नहीं कर रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब मैं शिवांग को अपने साथ लेके नहीं जा रही थी, एंड इसलिए थोड़ा सा और भी बुरा लग रहा था कि शिवांग हमारे साथ ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो अपने नाना नानी के पास है। उसको हम इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि उसका स्कूल रीओपन हो गया था, क्लासेस फुल स्विंग से चल रहे थे, उसका एग्ज़ाम्स भी आने वाला था। तो इसलिए अगर लेके जाते तो हम बहुत कम दिनों के लिए जा रहे हैं, फ्राइडे को ट्रेवल कर रहे हैं एंड मंडे विल बी बैक, तो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता अगर उसको लेके जाते, इसलिए नहीं जा रहे हैं। एंड ही इज़ ना बहुत चिल से उसने बोल दिया कि आप लोग जाओ अपना काम ख़त्म करो एंड जल्दी से वापस आ जाना, और वो अपने नाना नानी के साथ रहेगा ना, तो उसको अपने मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं है। तो वही है, बट एनीवेज कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर रहे थे। एंड हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट भी फ्लाइट में कर लिया था, एंड देखो बातों बातों में हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। एंड जस्ट लुक अराउंड, अगर आपको कहीं लगता है कि ये जाना पहचाना एयरपोर्ट आपको लगता है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।